हेलो ब्रोज एंड सिस्टर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे स्पाई यूनिवर्स की सारी मूवीज को और पता लगाएंगे कौन सी मूवी अच्छी थी और कौन सी मूवी टाइगर 3 थी। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में गाली और कॉपी लिखने से पहले पूरी वीडियो देख लो, और तुम्हें फिर भी लगे कि मुझे गाली देना है तो प्लीज कोई अच्छी वाली गाली देना। और इस वाले कंपैरिजन में टाइगर 1 और टाइगर 2 यानी टाइगर जिंदा है और एक तो टाइगर नहीं होने वाले है, क्योंकि ये दोनों मूवी स्पाई यूनिवर्स के अनाउंसमेंट से पहले आई थी। सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान स्टारिंग टाइगर 3 की, जो की 300 करोड़ में बनी थी। दिवाली के बावजूद भी उसने 44 करोड़ का ओपनिंग लिया। इसका डे 1 का कलेक्शन था 95 करोड़, डे 2 पे 88 करोड़, डे 3 पे 67 करोड़ और डे 4 पे 31 करोड़। इसका 4 दिन का टोटल हो चुका है 282 करोड़। और इसी मूवी को अगर हम लोग कंपेयर करें पठान से, तो पठान ने ओपनिंग किया था 57 करोड़ का, जो कि अब तक एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। डे 1 का कलेक्शन था 235 करोड़। पठान का सिर्फ एक दिन का कलेक्शन 235 करोड़ था और 4 दिन का कलेक्शन टाइगर 3 का 282 करोड़ है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस हमें सलमान खान और शाहरुख खान की मूवी में देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से टाइगर 3 परफॉर्म कर रही है, ऐसा लग रहा है कि पठान का रिकॉर्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। शाहरुख खान ने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए हैं जो कि सलमान खान को मैच करना बहुत मुश्किल जा रहा है। पठान ने टाइगर 3 को कलेक्शन के मामले में बीट किया है, वैसे ही इसकी स्टोरी के मामले में भी कर रहा है। देखो, टाइगर 3 के लिए मैं जितना एक्साइटेड था, मूवी खत्म होने के बाद मैं उतना ही डिसअपॉइंट होके निकला। सारे के सारे सीन्स हम ऑलरेडी कोई ना कोई मूवी में देख चुके हैं, फिर चाहे वो टाइगर 2 हो, पठान हो या टाइगर 1 हो। मूवी का रन टाइम है 2 घंटा 30 मिनट का, और पूरे 2.5 घंटे की मूवी में मुझे एक भी वाव सीक्वेंस नहीं देखने को मिला। टाइगर 3 स्टोरी के मामले में बहुत ज्यादा लैक करती है। 10 मिनट पे एक्शन सीक्वेंस दिखा देने से कोई मूवी अच्छी नहीं बन जाती। और अगर आपको एक्शन सीक्वेंस दिखाने ही है तो कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंस दिखाओ जिससे देखकर फील भी आए। फिजिक्स की आइसक्रीम बना के खा लोगे तो कैसे चलेगा। और स्टोरी के मामले में भी पठान टाइगर 3 से आगे है, क्योंकि टॉप क्लास एक्शन जो कि नॉर्मल दिमाग को हजम हो जाए, ठीक ठाक स्टोरी, थोड़े बहुत ट्विस्ट और एक बहुत पावरफुल विलन यानी जिम प्लेड बाय जॉन इब्राहिम इस मूवी को टाइगर 3 से बहुत बेहतर बनाती है। और पठान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1058 करोड़ का, जो कि बहुत एक्सट्रीमली हाई है किसी भी मूवी के लिए। अब बात करते हैं लेस कलेक्शन बट मोर बेटर मूवी के बारे में। इस मूवी ने 53 करोड़ में ओपनिंग लिया था, तो इस मूवी का बजट था 150 करोड़, जो कि पठान और टाइगर 3 से बहुत ज्यादा कम है। ऋतिक की आयरन बॉडी एंड एटीट्यूड और टाइगर का चेंज इन परफॉर्मेंस इस मूवी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और वो और बाकी मूवीज से अच्छी इसीलिए है क्योंकि इस मूवी में हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिला, कुछ डिफरेंट ट्विस्ट जो कि मूवी का प्लॉट पूरा हिला के रख देते हैं। ऋतिक की जबरदस्त परफॉर्मेंस और एक्शन इस मूवी को 4 चांद लगा देते हैं। ये वन ऑफ द मूवी है जिसमें पाकिस्तान और IAS का कुछ जिक्र नहीं किया गया है, ना कोई हॉस्टेज बना है और ना कोई चोरी करनी है। और वाणी कपूर यानी हीरोइन की डेथ इस मूवी को और ज्यादा इमोशनल बनाती है, बाकी मूवीज से तो कम ही है, लेकिन स्टोरी के मामले में बाकी उससे बहुत बेहतर है। ये रही मेरी फाइनल रैंकिंग। सबसे पहले नंबर पे आती है वॉर, सेकेंड नंबर पे पठान और थर्ड नंबर पे टाइगर 3 यानी कॉपी फिल्म। तो ये थी मेरी चॉइस और मेरी रैंकिंग। आपको क्या लगता है कौन सी मूवी कहाँ होनी चाहिए और कौन सी मूवी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।